अहमद वीडियो ऑन करो, अंजलि, चंदन, तनीश, तुषार, चलो सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट लेक्चर का सभी ने प्रैक्टिस किया है? यस सर। हाँ सर। हाँ, किसी को कुछ डाउट उसमें? हाँ, सो देखो अभी इसके बाद जो है लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, हाँ बोलो सर, 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो बताओ ना एक बार। हेलो सर। हाँ मैम बोलिए। सर करण शिंदे न्यू स्टूडेंट है, वो आज से बैठ रहे लेक्चर में। अच्छा अच्छा, फाइन फाइन, ओके मैम। हेलो करण। यस मैम। हाँ सर। ओके करण। हाँ अच्छा, साइमा 3x3 के लिए हमें मैट्रिक्स के लिए सीखना है ना, 3x3 मैट्रिक्स के लिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। हाँ सर। हाँ देखो, 3x3 के लिए हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू गिवन है, ए इज इक्वल्स टू गिवन है, यहाँ पर रैंडम नंबर कुछ भी ले लेते हैं, 1 0 2 है, और फिर इसके बाद यहाँ पर -3 0 -3 +1 और 5 है, लास्ट में जो है 4 4 2 और 7 है। ये एक मैट्रिक्स हो गया, और सेकंड मैट्रिक्स है b इज इक्वल्स टू 0 1 0 1 2 हो गया, इसके बाद में यहाँ पर -4 + 5 और इसके बाद में 6 हो गया, लास्ट नंबर जो है यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब कैसे हो जाएगा, R1 का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन सेकेंड कॉलम के साथ होगा, और फर्स्ट रो का मल्टीप्लीकेशन जो है थर्ड कॉलम के साथ हो जाएगा। इसमें कैसा रहता है, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर उसके बाद जो है सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ होता है, और फिर थर्ड जो है थर्ड के साथ होता है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना आप लोग। तो हर एक रो को पहले फिक्स करना है, और हर एक कॉलम के साथ में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, ये a इंटू b के लिए अगर हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, तो ये क्या है, 1 है, -3 है और 4 है, यहाँ पर 0 है, 1 है और 2 है, ये 2 5 7 है, 2 5 7 है, मल्टीप्लाई करना है इसको 0 1 2 और फिर -4 + 5 और 6 और यहाँ पर 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3 है। अगर मल्टीप्लाई करते हो तो जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं यहाँ पर। हाँ तो हम फर्स्ट रो को फिक्स करते हैं, फर्स्ट रो जो है इसको फिक्स करते हैं, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में नंबर क्या क्या है, 1 0 0 1 2 है, तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर दोनों का क्या है बताओ, 1 0 2 0 1 2 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर दोनों का, इसका 1 है और इसका क्या है, 0 है, तो 1 और 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड नंबर 0 है, यहाँ पर सेकंड नंबर 1 है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। लास्ट में 2 है और 2 है, तो 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। साइमा ये समझा? हाँ सर। रिपीट करो ना।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है तनिष, यहाँ पर फर्स्ट नंबर के साथ करो, सेकंड सेकंड के साथ करो और थर्ड थर्ड के साथ करो। तो ये वन जो है, ये वन जो है ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो जीरो आ गया, फिर सेकंड नंबर के साथ हो गया तो जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। लास्ट में टू है और यहाँ पर भी टू है तो टू इंटू टू क्या होगा, फोर हो जाएगा। समझाइए। हाँ सर। अब सेकंड कॉलम के लिए आ जाओ। सेकंड कॉलम के लिए अगर देखोगे तो ये फर्स्ट रो को फिक्स करना है हमें, फर्स्ट रो को पहले फिक्स करके सारे कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करना है। दोनों का फर्स्ट नंबर वन और माइनस फोर है तो वन इंटू माइनस फोर क्या होगा, माइनस फोर होगा, बराबर। यस सर। हाँ सर। तो सेकंड नंबर दोनों का क्या है, जीरो और फाइव है ना। यस सर, जीरो। यस सर। हाँ तो जीरो इंटू फाइव क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो और फाइव जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और टू इंटू सिक्स क्या होगा, ट्वेल्व आ जाएगा। इतना समझे सभी लोग? यस सर। हाँ अच्छा अच्छा, लास्ट कॉलम के साथ, लास्ट कॉलम के साथ करो, वन टू थ्री के साथ मल्टीप्लाई करो। तो जीरो और वन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू टू कितना होगा, जीरो। टू इंटू थ्री सिक्स होगा। समझ गए ना ये? यस सर। अच्छा, अब हर एक रो के साथ में ऐसे ही सब कॉलम को मल्टीप्लाई करो। अब देखो सेकंड रो को हम लोग यहाँ पर फिक्स करते हैं, सेकंड रो को। तो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, फिर थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। सर, तो लास्ट में वन आएगा ना? नहीं नहीं, टू इंटू थ्री करेंगे ना, टू इंटू थ्री जीरो वन जीरो का सिक्स। अच्छा हाँ, ये ना यहाँ पर। यस सर। हाँ बराबर, वन आएगा, करेक्ट, वन आएगा। अच्छा, इसके बाद जो है माइनस थ्री इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। ये वन इंटू वन वन हो जाएगा, ये टेन आ जाएगा। फिर सेकंड कॉलम के साथ करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा, ये फाइव हो जाएगा और ये थर्टी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट कॉलम के साथ करो, माइनस थ्री प्लस टू प्लस फिफ्टीन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को सबके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। थर्ड रो हमारा यहाँ पर क्या है, फोर टू सेवन है। थर्ड रो क्या है, फोर टू और सेवन है। तो फोर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फोर को जो है हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फोर इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, टू इंटू वन टू आ जाएगा और ये फोर्टीन आ जाएगा। वैसे सेकेंड के लिए माइनस सिक्सटीन प्लस टेन और फोर्टी टू आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट के लिए जो है फोर इंटू वन फोर, ये फोर और ये ट्वेंटी वन आ जाएगा। समझे? हाँ सर। तो ये आगे का साइमा कर लोगे ना इसके बाद? हाँ सर। और किसी को कुछ डाउट है? चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने माइनर फाइंड करना सीखा था, माइनर फाइंड किए थे हम लोग। फिर उसके बाद जो है कोफैक्टर, हाँ सर हो गया। हाँ, माइनर फाइंड किए थे, फिर उसके बाद जो है कोफैक्टर फाइंड किए थे, फिर उसके बाद हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला था। अच्छा, कोफैक्टर के लिए ऑड इवन याद है आप लोगों को? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, ऑड पर चेंज होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। हाँ, ऑड पर चेंज होगा, इवन पर वैसे ही रहेगा। एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये जो लास्ट है वो कौन है, एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाता है। तो अब देखो जो है यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक आपका इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, मतलब आज के लिए जो नया कॉन्सेप्ट है इनवर्स बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड, मतलब ये इनवर्स फाइंड करना है, कौन से मेथड से, एडजॉइंट मेथड से। ठीक है, तो एडजॉइंट, हाँ एडजॉइंट मेथड से हम लोग इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट ए को डिवाइड करना होगा किसके साथ, उसके डिटरमिनेंट के साथ में डिवाइड करना होगा। और यहां पर हमेशा ऐसा लिखना वेयर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो क्यों होना चाहिए? नॉट डिफाइंड बराबर बराबर क्या होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अगर वो जीरो नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए यहां पर इनवर्स एग्जिस्ट तभी होता है, ये लिख लेना हा, इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा जब हमारा डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है, इनवर्स की जगह पर वर्ड यूज होता है इनवर्टिबल। इनवर्टिबल भी मतलब वही रहता है, इनवर्टिबल कब रहेगा मतलब इनवर्स कब होगा एग्जिस्ट, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। नॉट इनवर्टिबल मतलब डिटरमिनेंट जो है वो इक्वल टू जीरो रहेगा। ठीक है, सो इनवर्टिबल कब रहता है, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ये एक बार फॉर्मूला देख लो आप लोग, और इनवर्स कभी भी कैलकुलेट करने के टाइम पे हमेशा याद रखना पहले डिटरमिनेंट निकालना है, नहीं तो कैसा हो जाएगा, अगर आप लोगों ने समझ लो पहले एडजॉइंट निकाल लिया, एडजॉइंट अगर फाइंड कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, उसके बाद में अगर पहले हम लोगों ने एडजॉइंट निकाल लिया मैट्रिक्स का और बाद में पता चला डिटरमिनेंट इसका जीरो आ गया, तो उससे क्या होगा, इनवर्स में अगर डिटरमिनेंट यहाँ पर जीरो है तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना। हाँ सर। हाँ, तो ये आपका यहाँ पर टाइम पूरा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी याद रखो पहले डिटरमिनेंट निकालना है फिर उसके बाद इनवर्स एडजॉइंट निकालना है। क्लियर है ये पार्ट? हाँ सर। चलो इसके बाद देखो, हाँ इसके बाद देखो पेज नंबर ओपन करो, पेज नंबर 52, पेज नंबर 52, हाँ लिख लेना ये आप लोग बाद में, पहले ये एक सम देखो, पेज नंबर 52 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 का 1। यहाँ पर मैट्रिक्स है लेट ए इज इक्वल्स टू -1 -1 -3 और यहाँ पर 5 है और ये 2 है, तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिटरमिनेंट इसका क्या होगा, -1 -3 और 5 और 2 आ जाएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा -2 और ये कितना आ जाएगा -15। हाँ बराबर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 + 15 मतलब ये +13 आ गया। अच्छा डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो है क्या? सो देयरफॉर, हाँ तो देयरफॉर क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये पार्ट सभी को क्लियर है? Yes, sir. हाँ चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें माइनर फाइंड करना पड़ेगा, माइनर कैलकुलेट करते हैं, याद है ना माइनर कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को डिलीट करना है, M11 हो जाएगा। हाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम है, डिलीट करोगे तो क्या मिल जाएगा 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 मिल गया। उसके बाद में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो, क्या आ जाएगा बताओ, -3 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो क्या आ जाएगा +5 और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करोगे तो -1 करेक्ट। अच्छा अब हम ना यहाँ से को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर जो है ऑड इवन का है, यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट ऑड इवन है, तो ऑड इवन को फैक्टर का पहले फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला था, CIJ -1 raised to i plus j इंटू माइनर ऑफ ए आई जे।
ठीक है। तो अगर इसका हम कोफैक्टर निकालते हैं तो सबसे पहले C11 अच्छा वन और वन कितना होगा टू, ये जो आंसर आएगा हाँ ये जो है वन और वन टू हो गया, टू इवन नंबर है, तो इवन नंबर अगर है तो जैसा माइनर है वैसा ही कोफैक्टर भी रहेगा, तो ये भी टू आ जाएगा फिर, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है C12 के लिए देखो थ्री ऑड नंबर है तो ये माइनस थ्री का क्या करोगे प्लस थ्री। C21 यहाँ पर भी ऑड नंबर आ रहा है माइनस फाइव और C22 कितना रहेगा वन माइनस वन प्लस वन सर माइनस वन अच्छा माइनस वन है करेक्ट माइनस वन है अच्छा माइनर हो गया माइनर हो गया और कोफैक्टर हो गया। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं, मैट्रिक्स में 2, 3, -5, -1 क्या है 2, 3, -5 और -1 सोचो कोफैक्टर मैट्रिक्स है वो हमें मिला है यहाँ पर 2, 3, -5 और -1 मिला है। अच्छा इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए is equals to transpose of cofactor matrix, क्या formula था इसका transpose of cofactor matrix, हाँ cofactor matrix था ये, ठीक है। इसका इसका हम लोग अगर change कर देते हैं यहाँ पर position तो ये कैसा हो जाएगा, पहले 2, 3 है ना ये, हाँ ये ऐसे 2, 3 है तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2 और 3 ऐसे vertical लिखना है, -5 और -1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये adjoint A हो गया और इसका डिटरमिनेंट कितना मिला था 13 मिला था आया ना यस सर। और इसका डिटरमिनेंट हमें 13 मिला था तो इसका इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ A (adjoint A) था ये फॉर्मूला था तो वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर 1/13 एडजॉइंट ए के लिए क्या है यहाँ पर 2 है 3 है -5 है और -1 है तो ये आपका जो है सम कंप्लीट हो गया। इसी तरह ये बात हाँ यहाँ तक ही करोगे 13 मल्टीप्लाई कर भी सकते हो नहीं भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डाउट है इसमें नो सर। हाँ तो ये जो है सभी को समझा अच्छे से यस सर। हाँ अर्जुन समझा ये मीत निर्मिति ओम पूर्वा यस सर संकेत समझा ये क्या नाम था करण समझा ये यस सर समझा। हाँ चलो ये सभी लोग कंप्लीट कर लो। हाँ चलो पीछे वाला स्लाइड बताओ ना कौन सा मल्टीप्लिकेशन वाला नहीं जो इनवर्स का लिखा अच्छा हाँ इनवर्स का भी लिखना था ना ये पहले ये कंप्लीट करो। हाँ डन सर नो सर हाँ चलो हो गया ये सबका यस सर सेकंड पार्ट देख लो ये done sir
सभी का हो गया ये लिख के? यस सर। अच्छा अच्छा हाँ ये लिखो बाकी लोगों का जिसका नहीं हुआ अभी, एक सेकेंड ना ये सबका होने तो फिर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ चलो देखो इसके बाद जो है लास्ट पेज, सर ये डिटरमिनेंट ऑफ A13 कैसा है? पहले फाइंड किए थे ना हमने, डिटरमिनेंट नहीं फाइंड किया था हमने, फाइंड किया था ना ये देखो। हाँ सर हाँ Done, sir. चलो देखो ये आप लोगों को ना एक शॉर्टकट बताना है इसमें, वो सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही यूज कर सकते हो, ठीक है? तो हो गया ना ये सभी का? Yes, sir. अच्छा ये शॉर्टकट क्या है इसमें कि सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं यूज कर सकते हो। जैसे हमें इसमें मैट्रिक्स ए क्या दिया था बताओ, ए का जो मैट्रिक्स था वो कुछ ऐसे था ना -1, -3, 5 और 2 था। अगर इसका डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, ठीक है डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है ना, तो सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स चेंज करो, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब ये वाले नंबर्स को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज करो क्या आएगा? 2, -3, 5। हाँ नहीं नहीं सिर्फ डायगोनल को चेंज करना है तो ये 2 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा। Yes, इन दोनों को हमें इंटरचेंज कर देना है, ठीक है? अच्छा 5 देखो ये जो पहले वाला था हमें जो हमें सम यहाँ पर मिला था, ठीक है इसमें देखो हमें आंसर जो है आप लोग बताना बाद में क्या है। अब डायगोनल्स को चेंज कर दिया, डायगोनल्स को जो है चेंज कर दिया है, और फिर बाद में ये जो -3 और 5 है ना इनको भी चेंज करना है, बट इनका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ये पहले माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, समझे क्या लॉजिक है? एक सेकेंड ये वाला चेंज नहीं होता है, हाँ सॉरी ये वाला जो है चेंज नहीं होता है, ये वाला चेंज नहीं होता है, इसका सिर्फ साइन चेंज होता है, ये माइनस से प्लस रहेगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा, समझे? हाँ सर। तनिष यहाँ पर कैसा रहेगा, इसको चेंज करो, ये एलिमेंट्स को चेंज कर दो जो डायगोनल में है उनको चेंज करो, पहले क्या था -1, 2 था तो अब 2, -1 हो जाएगा, बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही रखो लेकिन वहां पर साइन चेंज कर दो, ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, समझाइए सर। साइन ही नहीं रहा तो क्या, साइन नहीं रहेगा तो माइनस प्लस में रहेगा तो साइन चेंज मतलब अगर प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, अगर नहीं है मतलब वो प्लस ही रहेगा ना। ओके सर। हाँ इसको आप लोग ना सर ये डायगोनल वाले का साइन चेंज नहीं होगा ना? नहीं नहीं डायगोनल में साइन चेंज नहीं होता है, सिर्फ नॉन डायगोनल में साइन चेंज होता है। इसको ना आप लोग नोट में लिख लो ऐसे अच्छे से नोट में, ये सिर्फ एमसीक्यू के लिए यूज करना है, हाँ ये शॉर्टकट।
इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर ए वन वन है, ए वन टू है, ये ए टू वन है और ये ए टू टू है. एक काम करो, कोई अल्फाबेट्स ले लेते हैं, ये सब नहीं लेते हैं, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया. देन देन एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, किसका पोजीशन चेंज करोगे बताओ? तो डी और ए यहाँ आ जाएगा और ये बी है और यहाँ पर क्या है, सी है. अच्छा एक काम करो, इसमें से ना एक कोई माइनस ले लो ताकि समझेगा आप लोगों को. ये माइनस बी ले लिया है यहाँ पर, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से क्या होगा, माइनस हो जाएगा. समझ गए ना इसका कॉन्सेप्ट? यस सर. हाँ चलो ये लिख लो नोट में. Yes, done. सॉरी हाँ हाँ ये हो गया सभी का. तो उसी में देखो क्वेश्चन नंबर फाइव का जो है सेकंड सम क्या दिया है, टू फोर लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू टू फोर माइनस टू और थ्री है. ठीक है. अच्छा इसका ये जो है पहले डिटर्मिनेंट निकालो. हाँ सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट अगर निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, टू फोर और ये माइनस टू और ये थ्री है, टू थ्री सा सिक्स आ जाएगा और फोर इंटू माइनस टू क्या होगा, माइनस एट आ जाएगा. यहाँ पर माइनस भी है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, फोर्टीन आ जाएगा. सो देयरफोर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट होगा. समझा ये सभी को ये पार्ट? यस सर समझा सर. हाँ तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया. अब देखो इसका जो है हम लोग नेक्स्ट पेज पर इसका जो है माइनर और को फैक्टर निकालते हैं. तो ए इज इक्वल्स टू टू फोर है और माइनस टू है और थ्री है. इसका पहले माइनर निकालते हैं. माइनर क्या हो जाएगा, एम वन वन माइनर हो जाएगा यहाँ पर थ्री और फिर वन टू क्या हो जाएगा, फोर आ जाएगा. हाँ टू वन क्या होगा यहाँ पर, माइनस टू और फिर टू टू क्या हो जाएगा, प्लस टू. हाँ को फैक्टर निकालो. को फैक्टर में ऑड इवन का कॉन्सेप्ट रहेगा भाई. तो यहाँ पर सी वन वन तो ये हो जाएगा थ्री, सी वन टू माइनस फोर, सी टू वन क्या हो जाएगा, प्लस टू. हाँ और सी टू टू क्या हो जाएगा, प्लस टू. ये भी करेक्ट. ठीक है को फैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं. हाँ को फैक्टर मैट्रिक्स, को फैक्टर मैट्रिक्स जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला लिखना रहेगा ना सर को फैक्टर का जो है? नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है वैसा. को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा यहाँ पर, थ्री है माइनस फोर है और ये टू है और ये टू है. ठीक है इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं. तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, रो और कॉलम्स को चेंज कर दो. हाँ थ्री माइनस फोर और टू आ जाएगा. अच्छा ये देखो जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये टू और थ्री का पोजीशन देखो चेंज हो गया है. यस सर. टू और थ्री का पोजीशन यहाँ पर चेंज हो गया और इसका साइन भी चेंज हो गया, बराबर ना? यस सर. यस सर. तो माइनस फोर हो जाएगा क्या? माइनस फोर हो जाएगा ना सर? हाँ तो माइनस फोर आया ना इधर. सॉरी यार सर. चलो इसके बाद इसका जो इनवर्स होगा, इसका जो इनवर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या था, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला था हमें, 14 मिला था और एडजॉइंट ए क्या है, 3 माइनस 4 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा. समझा ये सभी को अच्छे से? हाँ सर. हाँ सर. यस सर.
हाँ चलो ये लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड सम. हाँ नेक्स्ट पेज ये देख लो. Done, sir. हाँ. अच्छा ये 2x2 के लिए एडजॉइंट मैट्रिक्स शॉर्टकट कैसे निकालना है समझाना सभी को. यस सर. चलो एमसीक्यूज में कभी 3x3 आया तो सर. हाँ चेक करते हैं उसके लिए भी चेक करेंगे. ठीक है उसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं. उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा वैसा. देखते हैं उसके लिए भी हम लोग. क्वेश्चन नंबर फाइव का थर्ड सम लेट ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दिया है ये 135 है और 032 है. ठीक है बाद में क्या है 00-1 है. 00-1 है तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. हाँ विदाउट डिटर्मिनेंट फाइंड किए ना इनवर्स एडजॉइंट निकालना ही नहीं है. ठीक है तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट देखो क्या हो जाएगा. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ये क्या आएगा यहाँ पर 135 ये 032 और फिर ये 00-1 आ जाता है. तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रो को यहाँ पर फिक्स करते हैं. फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट कौन है. वन है. वन है फर्स्ट एलिमेंट. हाँ इसके लिए क्या आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो तो ये 302-1 आ जाएगा. ठीक है अच्छा बाकी सब 00 है तो कुछ लिख कर मतलब है क्या. नो सर, बराबर ये -3 आ जाएगा ये भी 0 आ जाएगा. ओवरऑल इसका आंसर -3 आ गया. तो -3 आ गया इसका मतलब डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट होगा. समझा ये सबको. सेकेंड पार्ट क्या है. सेकेंड पार्ट 0 है थर्ड पार्ट 0 है. तो 0 को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना. हाँ सर. हाँ चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग जो मैट्रिक्स दिया था उसका हम लोग इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पर ये क्या है 135 है 032 है और फिर उसके बाद जो है 00-1 है. 00-1 है. अच्छा पहले माइनर निकालते हैं. सब रो और कॉलम्स यहाँ पर डिलीट कर देना है. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो. कौन से नंबर मिलेंगे. 30-1. हाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करोगे तो 302-1 मिलेगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये -3 हो जाएगा. समझे इतना. यस सर. 1-2 के लिए चेक करते हैं. 1-2 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो. कौन सा रो यहाँ पर. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करो. 350-1 -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3 बाकी तो 0 हो जाएगा. 1-3 के लिए चेक करो. 1-3 के लिए
वन थ्री के लिए चेक करो, थ्री फाइव थ्री टू, थ्री फाइव थ्री टू आ जाएगा, थ्री इंटू टू कितना होगा, हाँ सिक्स माइनस फिफ्टीन मतलब माइनस नाइन आएगा, बराबर आयुष ये हो जाएगा। हाँ अच्छा फिर टू वन के लिए देखते हैं, टू वन के लिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अभी सेकेंड रो को फिक्स करो और फर्स्ट कॉलम को फिक्स करो, जीरो थ्री जीरो जीरो, हाँ जीरो थ्री जीरो जीरो, ठीक है। तो सेकेंड रो, सेकेंड रो हमारा देखो यहाँ पर क्या है, ये सेकेंड रो है और ये फर्स्ट, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, जीरो टू आएगा ना, जीरो टू, जीरो टू जीरो माइनस वन, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो आ जाएगा। फिर टू टू के लिए बताओ क्या होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए, हाँ मतलब वही हो गया ये पार्ट और ये पार्ट, हाँ माइनस वन इंटू वन माइनस वन और जीरो हो जाएगा। और फिर लास्ट कॉलम के लिए सॉरी टू थ्री आएगा, टू थ्री आ जाएगा यहाँ पर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट कर दो, ये जो है इसका पोजिशन कुछ ऐसे रहता है ना, वन 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 टू वन थ्री, फिर टू वन, हाँ टू टू और टू थ्री, फिर बाद में थ्री वन थ्री टू और थ्री थ्री, हाँ इसके लिए क्या बोल रहे हो, टू थ्री के लिए वन फाइव जीरो टू, मतलब टू आ जाएगा ये, हाँ अच्छा लास्ट कॉलम के लिए, लास्ट कॉलम के लिए जीरो, हाँ हाँ एक सेकेंड, थ्री वन के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये जीरो आ जाएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए बताओ क्या आएगा, सभी लोग ये भी जीरो आ रहा है, हाँ ये भी जीरो आ जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए ये थ्री आ जाएगा, हाँ अच्छा को फैक्टर निकालते हैं, ऑड इवन के लिए, हाँ ऑड इवन के लिए, तो यहाँ पर को फैक्टर के लिए सी वन वन, सी वन वन के लिए माइनस थ्री। अच्छा को फैक्टर का फॉर्मूला लिखना है आप लोग, लास्ट वाले में मैंने नहीं लिखा था लेकिन वहां पर भी लिखना है। हाँ सर वही आपको मैं पूछ रहा था लास्ट वाले में, हाँ कभी पूछा था सर, आपने बोला ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा चल कोई नहीं, वन टू के लिए क्या है यहाँ पर प्लस थ्री, और फिर वन थ्री के लिए, वन थ्री के लिए जो है माइनस नाइन, माइनस नाइन बराबर भावेश। सी टू टू के लिए क्या, सी टू वन के लिए क्या हो जाएगा, सी टू वन के लिए जीरो ही रहेगा, हाँ सी टू टू के लिए क्या रहेगा यहाँ पर माइनस वन, सी टू थ्री के लिए माइनस टू, माइनस टू, हाँ सी थ्री वन के लिए जीरो, सी थ्री टू के लिए भी जीरो, सी थ्री थ्री के लिए भी थ्री आ जाएगा। अच्छा इसका इसका जो है हम मैट्रिक्स को लिखते हैं फॉर, वैसे को फैक्टर मैट्रिक्स में लिखते हैं, तो इसका जो है को फैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर हो जाएगा, को फैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा एक सेकेंड ना, देखते हैं प्रीवियस स्लाइड जो है, माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन, माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन है पहले में, माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन है, और क्या था जीरो था, जीरो माइनस माइनस वन, जीरो माइनस वन और माइनस टू, टू माइनस टू, माइनस टू, और लास्ट में क्या था जीरो जीरो थ्री, हाँ जीरो जीरो थ्री है। हाँ तो को फैक्टर मैट्रिक्स हमें मिल गया, इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट ए जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पर रो और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, मतलब माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस नाइन और ये जीरो माइनस वन माइनस, हाँ ये लास्ट में जीरो जीरो थ्री आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला यूज कर लेना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन टू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस थ्री था, बराबर माइनस थ्री था, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है माइनस ऑफ थ्री है, एडजॉइंट ए क्या है माइनस थ्री प्लस थ्री और नाइन, और यहाँ पर ये क्या है जीरो माइनस वन माइनस टू और ये जीरो जीरो थ्री। अच्छा ये जो है बहुत सारे नंबर, एडजॉइंट का फॉर्मूला सर, हाँ ये इनवर्स का फॉर्मूला है। अच्छा हाँ बोलो क्या, माइनस नाइन बराबर,
बराबर माइनस नाइन है। अच्छा अगर हमें ना यहाँ पर देखेंगे तो जो ब्रैकेट के बाहर है माइनस थ्री है, तो ब्रैकेट के ऐसे बहुत सारे नंबर्स से जो माइनस थ्री से डिवाइड हो जाएंगे, थ्री से डिवाइड हो रहे हैं ना काफी सारे नंबर, इनको डिवाइड कर दोगे तो वन आ जाएगा, ये तो जीरो जीरो ही रहेगा, ये माइनस वन बन जाएगा, ये प्लस वन बाय थ्री बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ये प्लस थ्री बन जाएगा, ये प्लस टू अपॉन थ्री, और लास्ट वाला जो है माइनस वन बन गया। डिवाइड कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। हाँ ओके सर। हाँ चलो ये कंप्लीट कर लो, ऐसे भी आंसर रख सकते ना सर यहाँ पे जैसा मिला था। हाँ 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 वैसे भी रख सकते हो, ठीक है चलो ये कंप्लीट कर लो। हाँ समझाना ये सभी को अच्छे से। यस सर। हाँ यस। सर ये जो डिटरमिनेंट वाले सर एक बार ये समझाइए सर, वो पहले रो में कौन है? सर नीचे का क्या किया वो नहीं समझ गया सर, बाकी ऊपर का समझ गया। कहाँ तक समझे? सर वो फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर तक समझा सर, डिटरमिनेंट कैसे निकाले वो नहीं समझा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो उसमें जो है फर्स्ट के लिए कौन सा नंबर आता है, थ्री थ्री टू जीरो माइनस वन ना। यस सर। अच्छा सेकंड एलिमेंट कौन सा है फर्स्ट रो में? थ्री। सेकंड टू टू सर। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा जीरो जीरो। जीरो को किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा ना। यस सर। तीसरे का भी वैसे ही है, तो उसको लिख के कुछ मतलब नहीं होगा, इसीलिए हम लोगों ने फर्स्ट को ही सॉल्व किया है। समझा सर समझा। हाँ चलो ये बाकी लोग ये आगे का भी सॉल्व कर लो। म्यूट करो माइक। सेकेंड पार्ट इसका कंप्लीट कर लो। डन सर। सभी का हो गया लिख के? डन सर। यस। हाँ सर। चलो लास्ट। अच्छा नहीं हुआ है, चलो लिख लो ये बाकी लोगों के लिए। सर जस्ट अ मिनट। हाँ मैम। सर आज से दिशा गांधी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। अच्छा दिशा ओके। अभी ज्वाइन किया क्या मैम उन्होंने? हाँ जस्ट 15 मिनट्स बिफोर। ओके ओके मैम। ओके सर। हाँ 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 लास्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लो।
डन सर। हाँ अच्छा, तो ये जो इसका लास्ट क्वेश्चन है ना वो आप लोग ट्राई करना थर्ड सम। नेक्स्ट जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है। हाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सिक्स अगर रीड करोगे तो वहां पर ऐसा दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्राइसेस। इनवर्स कैलकुलेट करना है। अभी हम लोगों को यहाँ पर एडजॉइंट मेथड नहीं बोला है, एडजॉइंट मेथड नहीं बोला है, स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अच्छा लास्ट लेक्चर में देखो हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखा था, याद है आप लोगों को, मैंने नोट में लिखाया था पहले फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक सेकेंड यहाँ पर देखो, ये जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इसमें क्या होता है कि हमें जो है पर्टिकुलर या तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। कॉलम के लिए फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पहले से ही ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, हमेशा क्या होता है ए रेस टू एम प्लस एन होता है ना, सो वैसे ही यहाँ पर भी है ए का पावर प्लस वन है, ए का पावर माइनस वन है, तो प्लस वन और माइनस वन कितना होगा जीरो, और जीरो मतलब कितना होता है, इसका आंसर वन आएगा, वन मतलब क्या है यूनिट मैट्रिक्स है। समझा ये सभी को? यस सर। हाँ अच्छा, नीचे क्या लिखा था आपने अभी, ए जीरो कुछ तो लिखा था, ए रेस टू जीरो हो जाएगा ना अगर दोनों के पावर को प्लस करोगे, तो पहले का पावर ए रेस टू जीरो है और दूसरे का सॉरी पहले का पावर ए रेस टू वन है, फर्स्ट का पावर यहाँ पर ए रेस टू वन है, दूसरे के लिए माइनस वन है, तो जब बेस इक्वल है तो पावर प्लस हो जाता है ना, पता है ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। यस सर। हाँ देखो इसके बाद जो है अगर हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहले हमें कॉलम वाइज जाना पड़ता है। हाँ कॉलम वाइज जाना पड़ेगा, ये कैसे रहेगा, पहले फर्स्ट कॉलम में चेंजेस करना होगा, पहले फर्स्ट कॉलम में चेंजेस करना होगा, पहले डायगोनल एलिमेंट वन बाकी नॉन डायगोनल जीरो जीरो, याद है कि नहीं? याद है। यस सर। याद है। हाँ सी टू के लिए, सी टू के लिए पहले डायगोनल एलिमेंट वन बाद में नॉन डायगोनल सब जीरो, लास्ट पार्ट के लिए, लास्ट पार्ट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायगोनल के लिए वन बाकी नॉन डायगोनल सब जीरो, तो कॉलम वाइज जाते हैं किसमें, रो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, ये सी थ्री हो जाएगा। और वैसे ही अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज जाना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में रो वाइज जाना है, ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाना है, रो वाइज जाना है, तो ये हो जाएगा पहले वन बाकी दोनों जीरो जीरो, फिर यहाँ पर वन बाकी दोनों जीरो, फिर यहाँ पर ये वन और ये दोनों जीरो करना है, ठीक है। सम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ये देखो आप लोग हो गया ना ये सभी का लिख के अच्छे से पहले। यस सर। हाँ नो सर, पहले वाला हो गया ना सब लिख के, ये वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले वाले सब हो गए ना लिख के। हाँ सर। हाँ देखो इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट सम है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट सम है लेट ए इज इक्वल्स टू, अभी हमें यहाँ पर इनवर्स जो है ना दूसरे मेथड से निकालना है, वन टू टू माइनस वन है, ठीक है, तो सबसे पहले इनवर्स एग्जिस्ट तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना हो, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वन टू टू माइनस वन, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस वन और ये माइनस फोर हो जाएगा, माइनस ऑफ फाइव आ गया, तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है,
सो देयरफॉर इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट होगा. ये समझा सभी लोगों को? यस सर. हाँ सर. हाँ एक सेकेंड रुकना है, एक सेकेंड. चलो ये देखो जो है यहाँ पर इनवर्स हमारा एग्जिस्ट होता है. अब हम इसमें ना ज्यादा प्रेफर किया करो रो ट्रांसफॉर्मेशन. रो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मतलब 99% रो ट्रांसफॉर्मेशन ही है आप लोगों के टेक्स्ट बुक में. ठीक है, एक आध दो सम आ गया तो वैसे कॉलम आ गया, अदरवाइज सब जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन पर ही है. तो a into a इनवर्स. हाँ एक मिनट. अच्छा ये वाला. हाँ सर एक. हाँ ये मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा आप लोगों को, पहले वो देख लेते हैं अभी. ठीक है. ओके सर. हाँ अच्छा, a into a inverse is equals to क्या होता है? I होता है. अब ये देखो ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए. अब वैल्यूज पुट करते हैं. a के लिए बताओ क्या है मैट्रिक्स? a के लिए कौन सा मैट्रिक्स है यहाँ पर? 1 2 2 -1. हमें इनवर्स यहाँ पर फाइंड करना है. अच्छा आई भी तो एक यूनिट मैट्रिक्स है ना. आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल में 1 1 होता है और नॉन डायगोनल सब 0 होते हैं. ये यहाँ तक सभी को समझा अच्छे से? यस सर. करण समझा ये? यस सर. दिशा ये समझा? यस सर. हाँ और ये कादिर, इस्पिता, ये धीरज, मीत समझा ना ये? भावेश? यस सर. अंजलि, प्रवीण, हाँ चलो देखो इसके बाद जो है अब अगर हमें ना रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें सबसे पहले, हाँ रेशम, सबसे पहले हमें कॉलम देखना है. कॉलम में देखो सबसे फर्स्ट में कॉलम में देखना है. फर्स्ट एलिमेंट को 1 कन्वर्ट करना था. 1 है ये पहले से ही. हाँ तो फर्स्ट स्टेप अपना मतलब पहले से सॉल्व हो गया है. अब ये उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है उसको 0 करना है. ये एलिमेंट को 0 करना है. ये 2 कौन से रो में दिख रहा है? सेकेंड रो. हाँ सेकेंड रो में. हाँ ध्यान से देखो ये इसमें टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन एक ही सम सॉल्व करेंगे, लेकिन ये समझना चाहिए आप लोगों को. ये 2 कहाँ पर है? सेकेंड रो में है. 2 जो है ये सेकेंड रो में. ये हमारा R1 है और ये R2 है. तो 2 कहाँ पर है? सेकेंड रो में है. तो हम लोगों ने ये देखा था कि R2 को वैसे ही लिखना है यहाँ पर. R2 implies मतलब R2 में चेंजेस करना है. R2 implies. अच्छा 2 का अपोजिट क्या होगा? ये 2 का अपोजिट क्या होगा? -2. अच्छा C1 में चेंजेस होता है तो लास्ट में हमेशा R1 आता है. कौन आता है? R1 आता है. इतना समझे ये कंडीशन? यस सर. देखो ये ऐसा रहेगा, ये कंडीशन ऐसा रहेगा R2 minus 2 R1 और यहाँ पर जो पहले रहेगा उसमें ही चेंजेस होता है. तो इसका मतलब R2 में चेंजेस करना है ये कंडीशन अप्लाई करके. yes, sir. वापस रिपीट करूँ या समझा सभी को ये? सर रिपीट करो. रिपीट करना है ये सर. वो R2 minus 2 गलत था? नहीं नहीं करेक्ट है ना. रिपीट करूँ ये? हाँ सर. अच्छा ये देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम में आ जाओ आप लोग. फर्स्ट डायगोनल 1 होना चाहिए. डायगोनल 1 है. ठीक है फर्स्ट कॉलम में डायगोनल 1 है तो इसको हमें 0 कन्वर्ट करना है. तो ये कौन से रो में है? सेकंड रो में है. तो यहाँ पर हमने लिखा R2 लिखा है. ठीक है ये R2 लिख दिया.
टू का अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट लिखना है, टू का अपोजिट क्या होगा माइनस टू, और फर्स्ट रो में है तो इसलिए सॉरी फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के लिए चेंजेस कर रहे हैं इसीलिए लास्ट में हमेशा आर वन आएगा, समझे क्या पॉइंट्स है? हाँ अच्छा, उसके बाद में ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, दोनों साइड अप्लाई करना होगा, हाँ इस मैट्रिक्स में भी और इस मैट्रिक्स में भी, दोनों में अप्लाई करना होता है, एलएचएस और आरएचएस के लिए, दोनों के लिए कॉमन रहता है। तो ये वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर, आर टू का फर्स्ट वैल्यू क्या है बताओ, आर टू का फर्स्ट वैल्यू क्या है, टू है, तो यहाँ पर टू पुट करो, टू माइनस टू, आर वन का फर्स्ट वैल्यू क्या है, वन है, टू माइनस टू कितना होगा, जीरो, बराबर। हाँ तो ये जो है, अच्छा जो पहले चेंज नहीं होता है ना उसको लिख लो, पहले फर्स्ट रो को वैसे लिख लो, वन टू, ये ए इनवर्स है और यहाँ पर कौन है, ये वन और जीरो है, पहले फर्स्ट रो को वैसे लिख लो, हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया ये कंडीशन अप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट उससे जीरो बन गया, ठीक है। अब इसमें जो है सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट जो है यूज करते हैं, आर टू का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है बताओ, माइनस वन है, माइनस वन यहाँ पर पुट करो टू टाइम्स ऑफ, आर वन का सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, टू है, तो ये माइनस फाइव बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ फाइव। अच्छा यहाँ पर भी आर एच एस में भी अप्लाई करो, हाँ आर एच एस में भी अप्लाई करो, हमें क्या करना है फर्स्ट रो को टू से, हाँ बोलो सर, ये समझा नहीं है सर, अभी आपने आर टू माइनस टू आर वन किया ना सर, तो आर वन की जगह टू क्यों लिखा, R1 की जगह 2 क्यों लिखा, R1 का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, अच्छा सर मतलब सेकंड के लिए सेकंड लेने का, हाँ फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, ठीक है, ओके सर। हाँ अच्छा अब RHS में आ जाओ, तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट जो है, ये सब रफ कैलकुलेशन है यहाँ पर, मतलब लिखना नहीं होगा, R2 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर राइट हैंड साइड में जीरो है, टू टाइम्स ऑफ वन हो जाएगा, तो इसका आंसर माइनस टू हो जाएगा, हाँ या ना, यस सर। अच्छा आर टू का सेकंड एलिमेंट वन है, वन माइनस टू इंटू जीरो, ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, समझा ना यहाँ तक सभी को, यस यस। हाँ अच्छा उसके बाद जो है, अब देखो सेकंड कॉलम में आ जाओ, सेकंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में कौन कौन सा नंबर है, टू माइनस वे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डायगोनल, डायगोनल में अभी कौन सा नंबर है, माइनस फाइव, माइनस फाइव है। अच्छा माइनस फाइव को हमें किस में कन्वर्ट करना है, वन में कन्वर्ट करना है, तो माइनस फाइव वन में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, माइनस फाइव से अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं, अगर हम उसको माइनस फाइव से डिवाइड कर देते हैं तो वो नंबर वन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा माइनस फाइव कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, सेकेंड रो को हम डिवाइड कर देते हैं माइनस फाइव से, तो चेंजेस किस में होगा, सेकेंड रो में होगा ना, हाँ सर उसमें, हाँ तो देखो हम लोग फर्स्ट रो को एज इट इज यहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट रो में कौन है, वन है और टू है, और यहाँ पर ए इनवर्स फर्स्ट रो में वन है और जीरो है, सेकेंड रो में चेंजेस हो रहा है, तो जीरो को अगर हम लोग, जीरो को अगर हम लोग माइनस फाइव से डिवाइड करेंगे, तो जीरो को माइनस फाइव से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही रहेगा, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है ये वन हो गया। अच्छा आर एच एस में माइनस फाइव से डिवाइड करो, माइनस टू को माइनस फाइव से डिवाइड कर दो, तो टू अपॉन फाइव आ जाएगा, टू अपॉन फाइव आ जाएगा, और लास्ट में माइनस वन बाय, एक सेकेंड ना, ये कितना था, माइनस वन बाय, हाँ ये माइनस वन अपॉन फाइव आ जाएगा। देखो यहाँ तक सभी को क्लियर है ना ये पार्ट, यस सर। अच्छा अब ये बताओ सेकेंड कॉलम में अब किसको जीरो करना है, सेकेंड कॉलम में अब किसको जीरो करना है, टू को जीरो करना है, हाँ ये टू को हमें जीरो में कन्वर्ट करना है, टू कौन से रो में है,
सर माइक से आवाज नहीं आ रहा सर आपके यहाँ। सर हाँ 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 चलो देखो इसके बाद में जो है ये टू कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट रो में है तो R1 R1 में चेंजेस करना है। प्लस टू का अपोजिट क्या लिखो बताओ? माइनस टू आ जाएगा। अच्छा सेकंड कॉलम में चेंजेस हो रहा है मतलब यहाँ पर सेकंड रो आएगा, आया ना? हाँ सर। जब भी याद रखना सेकंड कॉलम में चेंजेस होगा तो सेकंड रो आता है, क्या आता है सेकंड रो आता है। तो यहाँ पर हम लोग R1 implies R1 minus 2 R2, ये वापस से रिपीट करो या समझा सभी को कंडीशन ये कैसे आया? ये जो है यहाँ पर ये वन था ना, सर एक बार रिपीट कर देना। देखो ये जो है हमें 2 को 0 में कन्वर्ट करना था, तो ये 2 कहाँ पर है, फर्स्ट रो में है, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पर R1 implies R1 प्लस टू का अपोजिट क्या होगा, माइनस टू होगा। मैंने पहले भी बताया C1 में जब चेंजेस होता है तो R1 आता है, C2 में जब चेंजेस होगा तो R2 आता है। तो देखो यहाँ पर ये C2 में है, सेकेंड कॉलम में है ये नंबर, तो इसलिए लास्ट में R2 आता है। क्लियर है ये पार्ट? हाँ हाँ चलो देखो इसके बाद जो है R1 माइनस ऑफ 2R2 हो गया। अच्छा चेंज कौन नहीं होगा बताओ? R2 चेंज नहीं होगा, ठीक है। R2 जो है चेंज नहीं होगा, R2 में 0 है और 1 है, और इसमें क्या है 2/5 है और यहाँ पर -1/5 है, 2/5 है और -1/5 है। उसके बाद में अब हम R1 माइनस क्या करते हैं, 2R2 करते हैं, R1 माइनस 2R2 करते हैं, तो इससे क्या होगा? अच्छा सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, सेकेंड रो को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा, या तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट करो। R1 का फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 है, 2, R2 का फर्स्ट वैल्यू 0 है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में सेकंड के लिए देखो, R1 का सेकंड वैल्यू 2 है और R1 का सेकंड वैल्यू R2 का सेकंड वैल्यू 1 है, तो ये तो 0 आ जाएगा। समझा ये सभी को? यस सर। हाँ चलो इसके बाद देखो जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में भी वैसी R1 का फर्स्ट वैल्यू 1 है, 1 - 2 × 2/5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 - 4/5 आ जाएगा, 1/5 आ गया, ये 1/5 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद लास्ट वाले के लिए 0 - 2 × -1/5 मतलब ये 2/5 आ जाएगा। सभी को समझा ये बात? यस सर। अच्छा ये बताओ अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये देखो 1001। अभी जो है लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। तो जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो आइडेंटिटी को हम ए इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा, और बाकी का यहाँ पर वैसे ही लिखना है 1/5 2/5 2/5 मतलब 2/5 और -1/5। सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 1/5 तो ये 1 2 2 - 1 आ गया, ये इसका सोल्यूशन होगा। और अगर क्रॉस चेक करना है ये अपना सम करेक्ट है कि नहीं है, तो देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं। मैट्रिक्स ए क्या दिया है बताओ, इसका जो है एक सेकेंड -5 आकर वो चेंज हो जाता है बराबर, एक सेकेंड हाँ बराबर -5 आता है डिटरमिनेंट और फिर एडजॉइंट आ जाता है। क्रॉस चेक करना है ना, तो हमें यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दिया था, 1 2
टू और माइनस वन दिया था, तो ये जो है इसका डायगोनल चेंज कर दो, माइनस वन प्लस वन यहाँ पर आ जाएगा, ये टू ऐसी रहेगा यहाँ पर भी, ये माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये मैट्रिक्स के जैसा, समझे? ठीक है, एक काम करो, ये जो है स्टार्टिंग से आप लोग ये कॉपी कर लो, समझा या नहीं समझा, ये आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? अच्छा सर थोड़ा हार्ड, हाँ नहीं इसमें टाइम लगता है काफी, इसमें कैसे सोचने के लिए टाइम जाता है, लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बताया ना, पहले फर्स्ट कॉलम में चेंज करो, फिर सेकंड कॉलम में चेंज करो, फिर थर्ड कॉलम में चेंज करो, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, बट इसमें यह है कि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और ऐसे टाइप के सम्स को बोर्ड एग्जाम में एकदम लास्ट में सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो मतलब नहीं है, ठीक है, ये आप लोग कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट हो गया सभी का, एक मिनट, हाँ हाँ लिखो, हाँ 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 लिखो, सभी का हो गया ये लिख के? हाँ सर, हाँ इस टाइप के जितने सम्स करोगे ना उतना अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ना आगे का एक्सरसाइज भी इस पर ही डिपेंड है, और सिर्फ ये याद रखना है कि अगर फर्स्ट कॉलम में जब चेंज करते हो तो डायगोनल वन और बाकी नॉन डायगोनल सब जीरो जीरो, पहले कॉलम में अगर चेंजेस होगा तो फर्स्ट रो ही आएगा लास्ट में, सेकेंड कॉलम में चेंज होगा तो सेकेंड रो आता है, और लास्ट कॉलम में जब चेंज होता है तो थर्ड रो आता है, अभी तो ये फर्स्ट सम ही ऐसा किए हैं, और दो तीन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। हाँ बोलो सर, डॉम, हाँ हो गया सभी का ये? यस सर।
डन सर। हाँ अच्छा देखो इसका जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेकंड वाला प्रॉब्लम जो है उसमें क्या दिया है, सेकंड सम इसका जो है लेट ए इज इक्वल्स टू, लेट ए इज इक्वल्स टू टू माइनस वन और फिर यहाँ पर जो है माइनस थ्री और प्लस टू है, तो हमें इसका पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू ये हो गया, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू माइनस वन माइनस थ्री और प्लस टू है, तो टू इंटू टू क्या होगा फोर हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ थ्री आ जाएगा तो वन आ जाएगा। सो देयरफॉर डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इनवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट होगा। ठीक है ये हमने चेक कर लिया कंडीशन। उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करो, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है आई होता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। सो उसके बाद में ए का वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है टू है माइनस वन है माइनस थ्री है और टू है, इंटू ए इनवर्स आई के लिए क्या लिखोगे वन जीरो जीरो वन। अच्छा पहले फर्स्ट कॉलम को देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉलम देखना है यहाँ पर, फर्स्ट एलिमेंट को किसमें कन्वर्ट करना है बताओ, वन में कन्वर्ट करना है। अच्छा देखो जो भी चेंजेस करना है ना इसी कॉलम में चेंजेस करना है। अच्छा ये वन कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मैं ये कहता हूं कि इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूं, इन दोनों को मैं अगर प्लस कर देता हूं तो हमें वन मिलेगा। हाँ सर। हाँ सर। यस। क्योंकि टू और माइनस वन कितना हो जाएगा वन आ जाएगा ना। हाँ सर। नहीं समझे। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं ना फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ प्लस कर देते हैं। देखो कैसे समझेगा कि यही करना है, डायरेक्ट डिवाइड मत करो हाँ, क्योंकि डायरेक्ट अगर डिवाइड करोगे तो सब आंसर में टू अपॉन टू रहेगा सब में, उससे रॉन्ग नहीं आएगा करेक्ट ही रहेगा। अगर इसको डायरेक्ट भी डिवाइड बाय टू कर दोगे तो ये वन हो जाएगा, बट कैसे हर एक के डिनोमिनेटर में अपॉन टू लिखना पड़ेगा बार बार। सो इससे अच्छा क्या करना है देखना है इन दोनों में अगर प्लस माइनस करके कुछ आंसर हो के ये वन में कन्वर्ट हो जाता है तो बेटर है। तो फर्स्ट रो को हम प्लस करते हैं सेकेंड रो के साथ, तो चेंजेस किस में होगा आर वन में होगा, सो आर वन इम्प्लाइज आर वन प्लस आर टू, सेकेंड रो में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेकेंड रो को वैसे ही रखोगे आप, तो ये जीरो ये वन सेकेंड कॉलम, नहीं नहीं सेकेंड रो को चेंज नहीं करना है माइनस वन और टू। ठीक है अच्छा आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पर दोनों को प्लस कर रहे हैं ना, तो टू में से अगर वन प्लस टू में से अगर माइनस वन प्लस कर देते हैं टू माइनस वन कर देते हैं यहाँ पर तो ये फर्स्ट पार्ट वन बन जाएगा और माइनस थ्री प्लस टू क्या होगा माइनस वन होगा, आया ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा yes, हाँ बराबर अच्छा फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको वन में कन्वर्ट करना था ये वन में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा अब किसको जीरो में कन्वर्ट करोगे फर्स्ट कॉलम में, माइनस वन को। ठीक है तो माइनस वन कौन से रो में है, सेकेंड रो बराबर सेकेंड रो, माइनस वन का अपोजिट क्या होगा प्लस वन, यस सर प्लस, हाँ बराबर प्लस आर वन आ जाएगा। ठीक है तो इन दोनों को बेसिकली इन दोनों को हमें क्या वन को तो लिखते नहीं है, इन दोनों को अब प्लस कर देना है, आर टू को आर वन के साथ प्लस करना है, तो ये कैसा हो जाएगा यहाँ पर अब आर वन में चेंजेस नहीं होगा, ये वन रहेगा ये माइनस वन रहेगा और फिर इसके बाद यहाँ पर भी ये वन रहेगा और ये वन रहेगा, दोनों को प्लस कर दो माइनस वन प्लस वन ये जीरो बन जाएगा, माइनस वन और प्लस वन ये जीरो हो जाएगा, टू में से वन को माइनस कर दो तो ये वन आ जाएगा और लास्ट में जीरो और वन कितना आ जाएगा वन और वन प्लस वन टू हो जाएगा। समझे यहाँ तक सभी लोग। अच्छा ये बताओ फर्स्ट कॉलम में जो भी करना था ये हमारा कंप्लीट हो गया था, कंप्लीट हो गया ना मतलब वन और जीरो, अब सेकेंड कॉलम में आ जाओ, सेकेंड कॉलम में, सेकेंड कॉलम में डायगोनल को वन करना था, ये पहले से ही वन है आया ना। हाँ सर। अच्छा उसके ऊपर वाला जो नंबर है उसको जीरो में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट माइनस वन को हमें जीरो में कन्वर्ट करना है, माइनस वन कौन से रो में है, फर्स्ट रो में,
फर्स्ट रो में है, बराबर फर्स्ट रो में है, तो आर वन माइनस वन था, तो माइनस वन का अपोजिट प्लस वन होगा, प्लस वन। अच्छा सेकेंड कॉलम में चेंज करते हो तो यहाँ पर आर टू आता है ना? हाँ सर। हाँ अब देखो जो है चेंजेस किस में नहीं होगा, आर टू में, आर टू में जो है चेंजेस नहीं होगा, जीरो वन वैसे ही रखोगे और वन टू भी वैसे ही रखना है, जीरो वन वैसे ही रखना है और यहाँ पर वन टू वैसे ही रखना है। अब जो है R1 को R2 के साथ प्लस करना है, R1 को R2 के साथ प्लस करना है, तो 1 और 0 प्लस कर दोगे, 1 और 0 प्लस कर दोगे, मतलब ये नंबर 1 और 0 को प्लस कर दो, तो 1 और 0 प्लस हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 1 और प्लस 1 ये कितना आ जाएगा 0, तो पहला वाला नंबर 1 और दूसरा वाला नंबर क्या है 0 है, ठीक है, सेकेंड नंबर क्या है यहाँ पर 0 है, तो फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर 1 और 0, वन और जीरो आ जाएगा। अच्छा दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे वाले में दोनों को ऐड कर दो, वन और वन टू हो जाएगा और वन प्लस टू कितना होगा थ्री, हाँ टू और थ्री आ जाएगा। अच्छा ये पहले से थोड़ा इजी लगा अभी? हाँ सर। ये और क्लियर होगा, और जैसे जैसे सम सॉल्व करोगे ना ये और अच्छे से क्लियर होगा, ये लिख लो आप लोग, ठीक है, आइए कंप्लीट कर लो। Done, sir. अच्छा ये अभी थोड़ा इजी लग रहा है ना पहले जैसे? हाँ सर। हाँ कभी भी याद रखो विदाउट फर्स्ट कॉलम, अगर जब तक वो 1-0 के फॉर्मेट में नहीं हो जाता है तब तक सेकंड कॉलम को टच भी नहीं करना है। दिशा समझाइए अच्छे से। हाँ सर समझा। हाँ सौरव समझाइए, साइमा, ऋषभ, रिद्धि, रजत, चंदन। हाँ सौरव। यस सर समझा सर। हाँ हाँ रजत, ये वाला नहीं था ना, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हाँ ये स्लाइड थोड़ा हार्ड है लेकिन सर। हाँ नहीं तो ये जो है आते भी हैं, थ्री मार्क्स के लिए हार्ड नहीं है, अगर ये फर्स्ट टाइम अभी कर रहे हो ना ऐसे, अभी जब एक दो बार प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से तो फिर ये इजी लगने लगेगा। yes. चलो ये कंप्लीट कर लो जल्दी। डन सर। हाँ डन सर। चलो ठीक है, फिर इसके बाद एक लास्ट सम देखते हैं इसमें जो थ्री बाय थ्री के लिए है। थ्री बाय थ्री के लिए जो है कितने बजे है? 7:30 को ही सर। 7:30 को ही हम लोग का लेक्चर। अच्छा मतलब तो ब्रेक चाहिए अभी? हाँ सर। सर 5 मिनट तो दे दो। 7:30 से कब तक है? 9 o'clock। अच्छा 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 चलो तो फिर ये आप लोग एक ये सम जो है फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना, सिर्फ होमवर्क लिख लो। यस सर। हाँ एक मिनट, एक्सरसाइज 2.1 जो है हो गया है प्रैक्टिस करके कि अभी तक नहीं हुआ? सर प्रैक्टिस हो गया। 1.1 यस सर। 1.1 किधर, 2.1 किधर? आपने क्या बोला फिर से बोलिए ना। मैं कह रहा हूँ 2.1 जो है 2.1 प्रैक्टिस करो अच्छे से और एक्सरसाइज 2.2 भी अच्छे से प्रैक्टिस करो इसके पहले के। गलती हो गई सर, 2.1 हुआ है। अच्छा हाँ हाँ तो इसके इसके सॉल्व एग्जांपल्स जो है ना वो भी टाइम निकाल के आप लोग सॉल्व करो। हाँ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो, वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ ठीक है, तो
ये सम्स करके रखो अच्छे से, फिर इसके बाद में ना नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब ये फ्राइडे को हमारा ये शायद आप ही ले दे क्या, मैथ्स टू आप ले दे सर? हाँ हाँ मैथ्स टू भी मैं ही लूंगा क्या? क्या हो गया था तनीश? बहुत हार्ड लग रहा है सर। कौन सा डिफरेंशिएशन पहला वाला? कहाँ पे स्टार्ट हुआ? कॉलेज की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं वो होगा अपना धीरे धीरे होगा वो। देखो आप लोग ना ये सिर्फ याद रखो, बोर्ड का एग्जाम इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो सारे सिलेबस जो है अपने दिसंबर तक हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? फिर उसके बाद रिविजन करेंगे हम लोग। और आप लोग ना साइड, हाँ आप लोग जो है जितने भी पोर्शन अपने होते हैं ना उसके रिविजन करो अच्छे से। सॉल्व एग्जाम्पल और मिसेलिनियस आप लोगों का काम है, जितना प्रैक्टिस करोगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ भी डाउट्स रहे तो वो पूछो, हाँ वो मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है? और फिर ये वीक में अपना ये टॉपिक भी हो जाएगा, मैट्राइसिस भी हो जाएगा, फिर हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो तो फिर हाँ चलो ठीक है, फिर हम लोग आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू सर।